वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सीख लेकर आया हूं क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है जैद दरबार और गौहर खान की तरफ से। तो इन दोनों की जो है एंगेजमेंट हो गई। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैद दरबार ने गौहर खान के साथ ये वाली फोटो अपलोड की है और ये रहा कैप्शन। इंडिया फोरम्स ने कहा, ओ माय गॉड, गौहर खान एंड जैद दरबार गेट एंगेज्ड, कांग्रेचुलेशंस टू द लवली कपल। और तो और अनम दरबार ने कहा, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, आई एम सो हैप्पी। और ये रहे कुछ कॉमेंट्स जैद दरबार की पोस्ट के नीचे। जैसे कि अवेश दरबार ने कहा, बिग बॉस हाउस के बाद दरबार हाउस के टास्क पूरे करना हो गए अब। यहाँ तक के जो है जन्नत जुबैर ने भी कॉमेंट की है। वैसे गाइस, जब दरबार फैमिली से रिलेटेड बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं नगमा की तरफ। अब होता कुछ ऐसा कि नगमा जो है लाइव आई थी, जहां पर उसने कहा कि कल के दिन जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट शूट होने वाला है, जो कि एक एड शूट होगा जिसके बारे में वो बाद में बताने वाली है। तो आइए वो क्लिप देखते हैं। मेरा कल एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट है एंड जिसके बारे में आपको पता चलेगा। इट्स एन एड शूट एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट एंड वी मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं नगमा कौन सा एड शूट करने वाली है। वैसे अभी मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को कल के दिन कहा, मतलब कि जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसी दिन जो है नगमा की एड शूटिंग होने वाली है। गाइस, अगली न्यूज आती है सलीम सर और रफ्तार की तरफ से। तो भाई, इनकी तरफ से जो है कुछ स्पेशल आने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सलीम सर ने रफ्तार के साथ ये वाली पोस्ट अपलोड की है और कहा, समथिंग इज कुकिंग। और तो रफ्तार ने कहा, बस सीजनिंग बाकी है वीडियो वाली। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं इनकी तरफ से क्या आता है। वैसे गाइस, जब सलीम सर को लेकर बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं कैरी मिनाटी की तरफ। अब जैसे कि आप सबको पता है कि कैरी मिनाटी का जो है न्यू सॉन्ग आया है डेट कर ले सलीम सर के साथ, जिस पर जो है काफी अच्छा रिस्पांस भी आया। तो लगता है भाई अब कुछ और स्पेशल आ सकता है कैरी मिनाटी की तरफ से। जी हाँ, वो इसीलिए क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सलीम सर ने सलीम सुलेमान म्यूजिक के इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी डालते हुए कहा, अ सरप्राइज कमिंग आउट फॉर ऑल बडिंग म्यूजिशियंस एंड प्रोड्यूसर्स, हैशटैग डेट कर ले। फिर कहा, @ कैरी मिनाटी, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग सून। तो कैसे है आप लोग? सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कैरी मिनाटी की तरफ से और क्या स्पेशल आता है। गाइस, अगली न्यूज आती है अंकिता की तरफ से, जिसके कुछ 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। अब होता कुछ ऐसा कि अंकिता का कहना यह है कि उसके यूट्यूब चैनल पे जो है कोई ग्लिच चल रहा है कुछ हफ्तों से, क्योंकि उसके जो वीडियो के व्यूज है वो ऑटोमेटिकली डाउन होते जा रहे हैं। आइए अंकिता की कुछ स्टोरीज देखते हैं। That there was some glitch going on past few weeks on my YouTube channel कि मेरे व्यूज अचानक से घट रहे थे, कि मेरे ऑलरेडी 24K व्यूज आ गए थे नवरात्रि वीडियो के लिए एंड मैंने अचानक से देखा दैट इट हैज कम डाउन टू 17K व्यूज, विच इज very disappointing. So I don't know what is happening with that. I need to really check on that. But अभी time नहीं मिला था मुझे उस पर ध्यान देने के लिए, but I will make sure to fix it. Guys, अगली news आती है भाविन की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाविन की तरफ से जो है न्यू मूवी आने वाली है। न्यू मूवी नहीं, न्यू सॉन्ग होता है इनका, क्योंकि वो आते रहता है ना, ये तो एक ही बार आ रहा है। टाइम पास मत कर। तो भाविन की तरफ से जो है मूवी आने वाली है जिसका नाम है वेलापंती, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी के टाइटल ट्रैक के शूट पे जो है भाविन गए थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाविन की स्टोरी, शूटिंग फॉर अवर टाइटल ट्रैक # वेलापंती। और तो और ये वाली स्टोरी पूरी रात शूट करने के बाद बहुत थक चुके हैं। और तो और गाइस, यहाँ पर विशाल पांडे और समीक्षा ने भी कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी भी कोई तो शूटिंग चल रही है और लगता है कुछ स्पेशल आने वाला है। गाइस, अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसी को लेकर आशीष ने ट्वीट किए थे कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट मालूम नहीं, लेकिन अमेरिकन इलेक्शन के लिए साउथ बॉम्बे के एरिका बहुत एक्साइटेड है। तो यहाँ पर जो है आशीष एक तरीके से पंच देते हुए ये कहना चाहते थे कि वो लोग जिनको इंडिया के बारे में इतना नहीं पता है वो बाहर का जानने में काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इस ट्वीट को जो है कुछ लोगों ने गलत में ले लिए, मतलब कि उनका कहना ये था कि क्या हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं रख सकते क्या, और भी कुछ बातें। तो उसी को क्लेरिफाई करते हुए आशीष ने कुछ ये कहा, ये ट्वीट उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद की और बाकी कंट्रीज की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ अमेरिका के कामों में इंटरेस्ट आता है, बट अपनी बारी पे इनकी आंखें बंद हो जाती है। आपने मेरी बातों को गलत तरीके से लिया, मेरा ट्वीट किसी भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जो इसे बेकार में बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है ये ट्वीट, तुम्हारे लिए नहीं। शर्ली सेठिया की तरफ से। तो शर्ली की तरफ से जो है न्यू बॉलीवुड मूवी आने वाली है, जी हाँ, जिसका नाम है निकम्मा, और ये शर्ली की जो है पहली बॉलीवुड फिल्म है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं, निकम्मा इज अ अपकमिंग इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, जिसमें फीचर किया गया है शिल्पा शेट्टी, अभिमन्यू एंड शर्ली सेठिया को लीड रोल में। तो भाई, इसी को लेकर जो है शर्ली ने एक वीडियो अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पे, आइए देखते हैं। Hey everyone, what's up? This is me, Shirley. I have just wrapped up my shoot for Nikamma. बहुत ही सरियल लग रहा है कि
है, ये फाइनली हो रहा है एंड दिस इज माई फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म. बहुत सी यादें जुड़ी हुई है इस प्रोजेक्ट के साथ में एंड मतलब बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ कि ये फाइनली हुआ, लेकिन बहुत सैड भी लग रहा है कि यू नो नाउ आई that this was it. Thank you so much to the entire team of Nikamma, Sabir Sir, Sony team. I'm gonna miss you guys a lot. Guys, अगली न्यूज़ आती है टीम 07 की तरफ से. जैसे कि आप सबको पता है कि हसनैन के बर्थडे के लिए और जो हसनैन का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके लिए पार्टी रखी गई थी, जहाँ पर बहुत से लोगों को इन्वाइट किया गया था. तो अब होता कुछ ऐसा कि यहाँ पर मोहसिन शेख, उन्होंने उसी बर्थडे पार्टी का एक वीडियो अपलोड किया ट्विटर पर और कहा, कैफे अम्बोली एरिया वेयर टीम 07 मिस्टर फैसू अदनान और उनके साथ जो है करीब करीब 150 लोग फुल क्राउड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हसनैन 07 का, वो भी विदाउट मास्क और नो सोशल डिस्टेंसिंग. मुंबई पुलिस, प्लीज टेक एक्शन. और ये रहा वो वीडियो. तो भाई ये था कुछ मामला. फिलहाल अभी इससे रिलेटेड ज्यादा अपडेट नहीं आई है, बस ट्वीट किया गया है. लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है. बाकी इसको लेके आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना. गाइस, अगली न्यूज आती है मरुनू और अनिरुद्ध की तरफ से. तो इनकी तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है टॉम क्रूज, जैसा कि आप लोग पोस्टर देख सकते हैं. और ये रिलीज हो रहा है 11 नवंबर को. और उसी को लेके मरुनू ने कुछ ये कहा. सो फाइनली द पोस्टर इज आउट एंड मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर. थैंक यू सो मच गिफ्ट. मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कैसा फील कर रही हूँ. एंड ऑल्सो पोस्टर में सिंगर के बाजू में अनिरुद्ध का नाम देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे. आई एम सो 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 हैप्पी. और अनिरुद्ध के चैनल पर टॉम क्रूज को लेके वीडियो भी आया है, जहाँ पर वो लोग ने कहा कि वो लोग जो है गिव अवे भी करने वाले हैं. आई नो आज पोस्टर रिलीज हो रहा है, गाना भी जल्दी आ रहा है, दैट वी आर गिविंग अवे 100 टी-शर्ट्स एंड 50 मग्स हमारी टॉम क्रूज मर्च. सो यस गाइस, टॉप 100 कंटेस्टेंट्स को मिलेंगी टी-शर्ट एंड मग्स. गाइस, अगली न्यूज़ आती है जन्नत जुबैर की तरफ से. जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि रेड एफएम की तरफ से जो है एक न्यू शो आया है जिसका नाम है द टीआरपी शो, जहां पर सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया जाएगा और वो होगा ऑडियो फॉर्मेट में. तो जो सबसे पहला इंटरव्यू लिया गया वो लिया गया जन्नत का, यानी कि एपिसोड 1. तो अगर आप लोगों को पूरा एपिसोड 1 सुनना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके जन्नत का वो इंटरव्यू सुन सकते हैं. लेकिन आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स बता देता हूं. तो जो सबसे पहली क्लिप मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो ये. जैसे कि आप सबको पता है कि जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय जो है जन्नत को भी काफी हेट आ रहा था, बहुत से लोग जो है उसे ट्रोल कर रहे थे. और जहां तक मुझे पता है जन्नत जो है कुछ एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से इनएक्टिव भी हो गई थी. तो जो हेट मैसेजेस आ रहे थे, जो ट्रोलिंग की जा रही थी, उसी को लेकर जन्नत ने कुछ कहा है, आइए सुनते हैं. लेकिन अब जो ये ट्रोलिंग वाली चीजें आ गई है ना, आई थिंक ये मुझे काफी हद तक इफेक्ट करती है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तो लोग करते ही है वो, बट बींग अ पर्सन आई थिंक मैं तो इफेक्ट होती हूँ. बहुत ज्यादा ही मैं इफेक्ट होती हूँ. बीच में भी बहुत ज्यादा हो रही थी, बिकॉज मेरे लिए ये भी नया था, पहले नहीं होता था. बीच में लॉकडाउन में ही होने लगा है, तो मैं बहुत मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं लोग मुझे हेट करने लग देंगे, ऐसा तो नहीं मुझे लोग अनफॉलो कर देंगे, मेरे फैंस भी मुझे हेट करने लगेंगे. यू नो दैट फियर ऑफ लूजिंग पीपल दैट लव यू एंड दैट फियर के यार मुझे लोग नापसंद करने लगेंगे क्या, वो उससे मैं डर गई थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत नया था और आई डिडंट सी दैट कमिंग एट ऑल. क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि चलो मैंने कुछ करा जिसके वजह से पीपल स्टार्टेड हेटिंग मी. द हेट स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ नोवेयर सडनली व्हेन इट यू नो इट केम एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है. तो कुछ टाइम तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई, मैंने कमेंट्स पढ़े, फिर मैंने बंद कर दिए, पढ़ना ही बंद कर दिए. फिर कई बार मैं अपने आपको मीमर्स के पेज पे दिखती थी ना, इसके ये क्या हो रहा है. तो वो हाँ वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था, बिकॉज यार मुझे बहुत बुरा लगने लगा. बनते हैं या जो ट्रोलिंग होती है या जो वो जो अननेसेसरी हेट आता है ना, उससे तो डेफिनेटली बुरा लगा. बट उससे लोग आपको हेट भी कर सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स देयर चॉइस. सीरियसली मतलब मैंने कई बार अपने यूट्यूब के कमेंट्स पढ़े ना, तो उसमें डिलीवरी था कि हमने वीडियो तो देखी नहीं बट डिसलाइक कर दो, बिना मतलब की जो है हेट फैलाई जा रही है. एंड देन आई इवेंचुअली आई गॉट यूज्ड टू दैट, बट फिर लगा कि अच्छा ठीक है यार, करने तो अपने आप ठीक हो जाएंगे. और तो और जन्नत को जो है फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा गया, मतलब कि प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में. तो जन्नत ने कुछ ये कहा. लेकिन पाइपलाइन में काफी सारी चीजें चल रही हैं, जो जो चीजें लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से रुक गई थी, या वो वापस से वहीं से स्टार्ट हो गई है होना, क्योंकि सब चीजें खुल गई है, अब आप मीटिंग्स कर सकते हैं. तो बहुत सारे सपने हैं, मुझे बहुत सारा काम करना है, काफी सारे प्लानिंग्स हैं मेरे डैड के, खुश बहुत सारा आगे काम है करना है. आगे चल के आने वाले 5 साल 10 साल में भी ऐसे ही रहूं, यू नो आई नेवर
वांट पीपल टू से मी कि जन्नत यार ऐसी थी, बट यू नो शी चेंज्ड। गाइस अगली न्यूज़ आती है बाबा के ढाबे को लेके। तो यहाँ पर जो है शिफू ने गौरव के इंटरव्यू का ये वीडियो शेयर करते हुए कहा, हेल्प करना भी गुनाह बन गया है, स्टे स्ट्रॉन्ग स्वाद ऑफिशियल। एंड गाइस लगता है राउंड टू हेल की तरफ से कोई खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा काफी खुशी की खबर, देखते भाई क्या आता है। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कर लो ये आईडी। मिलते हैं वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय स्लैप। अबे साले, पता है आज लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि मैंने ले लिया हूँ न्यू टी शर्ट फ्रॉम मॉल, लेकिन अभी मुझे घाई है और जाना पड़ेगा, क्योंकि आ रहा है अनुष्का का कॉल। हेलो अनुष्का, हाँ आ रहा हूँ। अबे साले।